ਉਹ ਭਾਈ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇਸਨੇ ਅੰਦਰ, ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਪਟਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨਟ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਛਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਟੀ ਸੱਟਿਆ। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द चैनल मोहसिन ऑन द गो। लाइव और सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको डेली बेस पे वीडियोस जो मिलें और इन्फॉर्मेशन भी मिले और इन्जॉय भी करें। तो लास्ट आपने मेरा व्लॉग देखा था जिसमें मेरी गाड़ी का व्हील बैरिंग जैम हो गया था, तो मैंने वहाँ पर अपना गाड़ी का काम करवाया। तो मेरे साथ एक बहुत ही मशहूर वर्कशॉप है जी, तो की आटोज, वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जिनके मीटर टेम्पर्ड हो रहे थे, तो मैंने थोड़ी जल्दी इस पर भी एक व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज हमारे पास एक गाड़ी है जी, यहाँ पे फुल सर्विस के लिए, जनरल वॉश के लिए आई हूँ। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, वाइट कलर की गाड़ी है वो, उसका मीटर भी ये लोग टेम्पर करेंगे। एक विट्स का और है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दिखाते हैं आपको होंडा सिविक का कैसे जो है 2016, 17, 18, 19, 20, 21 का कैसे टेम्पर किया जाता है। तो वीडियो लाजमी देखें पूरा और शेयर लाजमी करें। जी कि इन्होंने ऊपर से पूरा डैशबोर्ड का जो मीटर के ऊपर कवर शवर है वो तो भाई तो की ने जी उतारती हमें, बस ये कह रहे हैं हमने इसको चिप नहीं लगानी, चिप के बगैर एक और टेक्नोलॉजी से करेंगे ये लोग। तो बड़ा बेहतरीन सा निज़ाम इन्होंने कर लिया, हर गाड़ी का जो मीटर रहता है सन्नाटा हो जाए, लैंड क्रूज़र हो जाए, जेड एक्स हो जाए। तो ये बस अभी और 5 से 7 मिनट में जो है वो खुल जाएगा। A few moments later. ओ भाई बड़ी अजीब अजीब गड्डी लग रही ने, खाली खाली ने, इन्हें कोई शाही नहीं रखी इसने अंदर, मीटर ही कोई नहीं, जहाजा ना इंजन पाना है, जहाजा ने मीटर लगे हैं पाने इस गड्डी ने बिच। बस ये पटिया गया नहीं इतों, उन्हें दो चार नट खोले ने, इतों पट्टियाँ छिकिया ने, तो ये जनाब ने मीटर इन्हों पट्टी सट्ट है। तो बस ये हूँ जागत जरा ने गया ने वर्कशॉप, वह हूँ लासी कोई तारा शारा करंट शरंट लासी कंप्यूटर नाल, तो इन्हें मीटर जो थले छटी छोड़ना है, तो फिर तुम दिखाई छोड़ा कि किस तरह ने मीटर पिछे छटने लोग। बस चल झूठा। ये देखें, ये एक होंडा सिटी है जी, एस्पायर का मीटर पड़ा हुआ है, एक ये जीएलए का है, और ये जो मैंने आपको एक वो सिविक दिखाई थी वाइट वाली, ये उसका मीटर जो है वो पड़ा हुआ है टेम्परिंग के लिए। तो अभी ये मेरे सामने एक तो सिविक का होगा और एक ये होगा करोला का, तो देखते हैं किसकी बारी पहले आती है, तो आपको दिखाते हैं। ये पहले जी इसका जो है वो सफाई का काम हो रहा है, इसकी थोड़ी डस्ट वगैरह जो है इसमें, क्योंकि भाई कह रहे हैं इसका मीटर जो है वो फर्स्ट टाइम खुलने लगा है गाड़ी का। चुप कर बे कुत्ते। ये इन्होंने पहले आप कौन सा करेंगे, सिविक का करेंगे, करोला का करेंगे, सिटी का करेंगे? अच्छा पहले सिविक का करेंगे। जिसका टोटल मीटर है इसका फ्रंट साइड दिखाइएगा, इसको भी साफ करेंगे आप यहाँ से, ठीक है। A few moments later. जी मीटर ने सारा खोल दिया तुकीर भाई ने, तुकीर भाई अब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे आप? जी सर, इसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे और इसको जो है ना आईसी नहीं चिप से उतारेंगे, ठीक है। इसको हम जो है ना आईसी को लगेगा, इसके जो बबल है ना उन पे हम बेस लगा के इसको मीटर को पीछे करेंगे, ठीक है। तो दोबारा कोई मसला तो नहीं आएगा इसके ऊपर? मसला नहीं भाई, कभी दोबारा फिर अगेन इसको पीछे करवाना हो तो फिर भी हो जाएगा, जितनी बार मर्जी करवाएं, जितनी बार मर्जी करवाएं, ठीक है। अच्छा मैंने एक दो चीज़ें और भी सुनी थी, कुछ लोग थे वो करवाए थे ना लाहौर में ना करोला गाड़ियों के मीटर पीछे, तो वो कहते थे जब हम इसकी इग्निशन 4-5 दफा ऑन करते थे तो वापस असल रीडिंग भी कई दफा शो कर देता था, ऐसा तो कुछ नहीं है? कई लोग जो होता है ना लोकल डिवाइसेस रखे बैठे होते हैं, ठीक है, मतलब के प्रोग्रामर उनके पास अच्छे वाले नहीं होते, ठीक है, वो चाइना के होते हैं, उनमें जो सा ना क्रैश सॉफ्टवेयर होता है उसकी वजह से मसले में फैल। ये आपका ठीक है, बेहतरीन है जी, मेरे पास आई प्रो है। अच्छा आपने तो इससे ये लैपटॉप पे रखा है जी, इसके ऊपर इन्हें प्रोग्रामिंग करनी है सारी, बस ये भी कर रहे हैं। तो ये जो आप टांके शंक लगा रहे हैं ये सही है काम जी? बेहतरीन, वो चिप शिप वाला काम नहीं है इसके अंदर? चिप नहीं ना उतारनी पड़ती, चिप की जगह पे उन्होंने सारे बबल दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये हमने डायग्नोस्ट किए हैं आईसी के, ठीक है, इस पे लगा के हम बेस से मीटर पीछे लगा देते हैं, ठीक हो गया। वैसे जैसे ही भी रिवर्स होता है तो आपको इसकी रीडिंग कहाँ पे करते हैं? जी एक केबल ने अपने लैपटॉप से लगा दिया, और ये कौन सी डिवाइस है? आई प्रो एंड तो आप है।
जी इन्होंने सॉफ्टवेयर अपना था इसका स्पेशली, इसको इन्होंने जो है वो इसकी केबल इसके साथ अटैच किया और एक ही इस डिवाइस के साथ अटैच की है। और अभी जो है वो इसकी ये देखें जी प्रो वर्जन है इनका 55, और अभी देखते हैं इन्होंने कहाँ पे इसकी मीटर को रीडिंग को करना है पीछे। नंबर इसका चिप नंबर है हो गया जी, मीटर इसका कंप्लीट है, रिवर्स कर दिए, मैक्सिमम 2 से 4 मिनट लगे हैं ये जब से बेस लगी है। तो किस भाई इसका मीटर क्या था रीडिंग, वो दिखाई थी 1,48,385 थी जी, तो अब कितना किया आपने? अबे जल्दी बोल, तो आपने खाली 58,000 जी, 58,000 इसका मीटर पीछे। नहीं अभी और सुनिए, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इस टाइम जो समथिंग इसकी रीडिंग है वो 58,385 टोटल है इसकी, टोटल है ठीक है। चलिए हो गया कंप्लीट, तो बस इसको वाइंड अप कर, अब जो टाइम लगेगा आपको सिर्फ उसका फिटिंग का लगेगा जी। फिटिंग टोटल आपने हमें बताया था कि इस गाड़ी आई थी आपके पास तो आपने आधे घंटे का था, मेरा ख्याल है कि 15 से 20 मिनट में हो गया ये टोटल। जो इसका सॉफ्टवेयर का प्रोसीजर होता है उसे 2 से 3 मिनट है, 3 से 4 मिनट का होता है, बाकी फिटिंग का टाइम है, बाकी फिटिंग का टाइम। और फिटिंग आपने कहा ऐसी होगी कि वो कोई बंदा जज नहीं कर सकेगा, लेकिन इधर से पता लग सकता है जो आप टांके लगा रहे हैं कि नहीं? ये हमें ही पता लग सकता है, आम बंदे को नहीं, आम बंदे को नहीं पता लगता। ठीक हो गया, चलें बस इसको आपने फिट करना है और फिर इसका टोटल प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये तो कीर भाई ने होंडा का तो कर दिया, अब ये जीएलआई का जी, महल 16 मॉडल है जीएलआई, 18 मॉडल जीएलआई। अब आप इसका करेंगे मीटर रिवर्स, ये भी महल 2-4 मिनट में ही होगा मैक्सिमम जी। इसकी जो होंडा की थी ये तो इन्होंने फिटिंग स्टार्ट कर दी है, और अब तो कीर भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जीएलआई का कर रहे हैं, ये जीएलआई का दूसरे भाई को दिया कि आप इसकी फिटिंग करें, तब तक वो दूसरे मीटर को कर लेते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो इसी तरह से है कि 2-3 बंदे हों तो एक बंदा फिटिंग कर लेता है, एक प्रोग्रामिंग कर लेता है और एक उसको जो है वॉश वगैरह कर लेता है, सारा सफाई कर लेता है। ये अपनी जगह पे लग चुका है, अभी बाकी जो इसके पार्ट्स थे और इसके नट थे वो तो ये भाई अभी कर रहे हैं, तो जैसे ये मुकम्मल हो जाती है तो फिर देखते हैं। A few moments later. जी फाइनली हर चीज फिट होगी अपनी जगह पे, और मीटर की अब रीडिंग थी पहले 1,48,350 और ये अब हो गया जी 58,350। तो जी ये गाड़ी थी होंडा सिविक एक्स, 17 या 18 मॉडल है ये, जिसका मीटर टेम्परिंग का काम सारा हुआ है, मीटर रिवर्स का मैंने आपको सारी वीडियो में दिखाया है। और अब ये मीटर फिट होने के बाद जो सर्विस स्टेशन के ऊपर आ चुकी है जनरल सर्विस के लिए, एक शोरूम की गाड़ी है ठीक है, इसको उन्होंने सेल करना था तो इस वजह से इसका मीटर हो गया टेम्पर्ड, और ये वेट्स का भी होना है अभी। तो बस अभी मीटर हो गया है, अभी गाड़ी नीचे आ जाती है तो इसको जो है ये लोग ना मीटर फिट कर चुके हैं, 1-2 hours इन्होंने गाड़ी जो है वो कर दी हुई है, ओपन कर दी है। तो किस भाई आपने कस्टमर से कितने पैसे चार्ज किए हैं इसके मीटर रिवर्स के? इसका हमने 2500 2500 रुपया जी। ठीक है, हर गाड़ी का डिफरेंट ही होता होगा ना? डिफरेंट ही होता है। ठीक है, और अभी तक कौन सी गाड़ी ऐसी जिसका रिवर्स नहीं हो रहा? अभी तक तो कौन सा है ना, जो पाकिस्तानी सिविक है ना, नई सिविक लेटेस्ट, उसका नहीं हो रहा, बाकी सबका हो रहा है। एक तो गाड़ियाँ हैं जिनकी ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी गाड़ियों का होता है। ले जी तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।